सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। केवल खाने और सोने का नाम जीवन नहीं, जीवन का नाम है सदा आगे बढ़ने का। ध्यान से, मन एक दीपक के ज्योति के समान अटूट हो जाता है। अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने आप को जानना अति आवश्यक है। आज का पंचांग 22 जुलाई 2020, दिन बुधवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, शाम 7:22 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र शाम 7:16 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:26 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दी। आज चंद्रमा कर्क राशि पर शाम 7:16 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मेष राशि 22 जुलाई 2020, दिन बुधवार, आपको थोड़ा सा अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, लेकिन आज आप ना तो कोई अच्छी सलाह और ना ही अपने मन की आवाज सुनना चाहते हैं। आपका यह अड़ियर रवैया आपके लिए घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसका एक ही समाधान है कि आप अपना दिमाग खुला रखें और दूसरों की भी बातें सुनें। आज आपका दिन घर परिवार के कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा और आपकी समस्याएं हल होने से घर का माहौल पॉजिटिव बनेगा। कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिलने की पूरी संभावना है। आज के दिन आपके लिए खुद को मजबूत बनाने का है। आपको चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना होगा। चुनौतियों से घबराने से आपको नुकसान हो सकता है। कोई पुराने जानकार से मुलाकात हो सकती है जिससे कुछ लेन देन बाकी हो। यदि किसी के लिए मन में करवाहट हो तो उसे माफ जरूर करें। इससे आपकी सेहत बेहतर होगी और आपके कर्म अच्छे होंगे। व्यर्थ चिंता ना करें, परिस्थिति जल्द ही अनुकूल हो जाएगी। यदि कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं जा रही तो उसके लिए परेशान होने के बजाय उसे कैसे सुधार सकते हैं, इस बात पर ध्यान दें। सावधानियां, ध्यान रखें कि किसी नजदीकी संबंध से किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है। दूसरों की बातों में ना आए क्योंकि इसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित ही रखें। लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपने रोमांटिक संबंध को अधिक समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे। आपके माता पिता या बच्चे आपसे आपका काफी समय मांगेंगे, लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियों में अपने पार्टनर को भी शामिल कर लेंगे तो रोमांस के लिए भी मौका निकल ही जाएगा। इससे आपके संबंध को एक नई ताजगी मिलेगी। आपकी व्यस्तता की वजह से घर की देखभाल का दायित्व आपका जीवन साथी बखूबी निभाएगा, इसलिए उनका मान सम्मान बनाए रखें। करियर की बात करें तो कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपनी मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। कार्य क्षेत्र में काम में किसी वजह से रुकावट आने से तनाव रहेगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी उच्च अधिकारियों से संबंध ठीक रखने की जरूरत है। सेहत की बात करें तो
आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट खत्म कर लें जिनमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर लें जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के समय अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलें अच्छा रहेगा। नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और एंजॉय करें, इससे आप सकारात्मक रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।